आज के इस मॉड्यूल में हम बात करने जा रहे हैं स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में और ये जो कि एक इम्यून सिस्टम का ही हिस्सा है इससे पहले हमने ज़िक्र किया था नॉन स्पेसिफिक नॉन स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम का नॉन स्पेसिफिक जिसके अंदर फर्स्ट डिफेंस लाइन एंड द सेकंड डिफेंस लाइन तो इस मौजू में या इस मॉड्यूल के अंदर दर इज़ अ स्पेसिफिक डिफेंस मेकेज़म जिसके अंदर जिसे हम कह सकते हैं कि ये एक एक थर्ड डिफेंस लाइन है और यहाँ पे जो जिक्र किया जाएगा जिस पर हाईलाइट करेंगे हम वो लिम्फोसाइट और एंटीजेंस हैं नाउ द लिफोसाइट क्या है लिम्फोसाइट इट इज़ नॉट ए ए न्यू वर्ल्ड फॉर अस बल्कि लिफोसाइट इज ए टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल विच इज़ ए अगेन इट इज़ ए लीकोसाइट दैट इज़ अ फंडामेंटल इम्पॉर्टेंस इन द इम्यून सिस्टम और वो हम देखते हैं ये कैसे है So lymphocytes are the cells that determine the specificity, that determine the specificity of the immune response to antigens and their foreign substances, which, are, which act as uh, the pathogens or the antigens. Then, So there are three main types of lymphocytes. Just can the T cells, B cells, and the natural killer cells. तो अब हम इनको वन बाई वन देखते हैं तो ए टी टी ए लिम्फोसाइट इज अ टाइप ऑफ लिम्फोसाइट विच मैचर्स इन द दाइमस तो ये इनफैक्ट ये बनते तो बोन मैरो के अंदर ही है और फिर उसके बाद ये ब्लड में आते हुए देन दे पास थ्रू दैन दे कम इन द दाइमस ग्लैंड जो कि स्टर्नम की बैक साइड पे है वहां पे वी आर फेमिलियर विद दिस ग्लैंड इज़ द थाइमस ग्लैंड जो कि तो ये वहाँ पे आके उसकी इनकी होती है ये लिम्फोसाइट दे गेट मैच्योर व्हेन दे व्हेन दे कम इन ग्लैंड तो टी सेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम अदर लिम्फोसाइट्स बाय द प्रेजेंस ऑफ टी सेल रिसेप्टर्स इनके ऊपर स्पेशलाइज रिसेप्टर्स है जिसके फिर देन इट कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द फॉरन सब्सटेंस तो बी सेल्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जेनरेटिंग एंटीबॉडीज टू स्पेसिफिक एंटीजन विच दे बाइंड बी सेल्स दैट इज रिसेप्टर्स विच द रिसेप्टी सी आर तो ये एक लिम्फोसाइट है जिसकी डायगिकली दिखाया गया है जिसके ऊपर हम देख रहे हैं दीज आर दिसेप्टर्स बी सेल रिसेप्टे एंटीबॉडीज हैं विच आर वाई शेपड और ये वायरस है गेट्स अटैचड विद दिस वन इसलिए हम इसको स्पेसिफिक कहते हैं बिकॉज इनके ऊपर बाकायदा स्पेसिफिक रिसेप्टर्स बन गए हैं और जिसके ऊपर फॉरन सब्सटेंस या पैथोजन दे गेट अटैचड और एंटीबॉडीज़ दे गेट अटैच विद इट उसके बाद है नेचुरल किलर सेल्स नाउ दिस इज ए कॉम्पोनेंट ऑफ इननेट इम्यून सिस्टम इनट का मतलब इनबॉर्न जो कि ऑलरेडी मौजूद है तो सो so, दिस नेचुरस प्ले मेजर रोल इन द होस्ट रिजेक्शन ऑफ बोथ ट्यूमर्स एंड वायरली इन्फेक्ट सेल्स क्योंकि जब हम जब ट्रांसप्लांटेशन uh, की जाती है जब एक इंडिविजुअल से कोई ऑर्गन निकाल के दूसरे इंडिविजुअल में डाला जाता है जैसे जैसे लिवर है या फिर किडनीस हैं तो यहाँ पे uh, जो दर टिश्यू रिजेक्शन यानी कि जो रिसिपियंट है वो डोनर के जो ऑर्गन को रिसीव नहीं करता बल्कि वो उसकी रिजेक्ट करता है इट ट्राइज टू रिजेक्ट इट और इस तरह से ये हम डाय डायग्राम, डायग्रामेटिकली भी देख रहे हैं कि ये बाकायदा उन्हें हड़प कर जाता है वो उन सेल्स को इनके उस पर अटैक करता है और इसे हम कहते हैं जैसे नेचुरली किलर सेल्स कहते हैं तो जैसे येलो कलर जो देख रहे देख रहे हैं हम तो दिस इज ए किलर सेल उसके बाद हम आते हैं एंटीजेंस एंटीजेंस जो हैं दे आर दे आर फॉरन प्रोटीन्स दे आर फॉरन प्रोटीन्स और ये फॉरन प्रोटीन किस फॉर्म में हो सकते हैं ये कोई भी पैथोजन की फॉर्म में हो सकते हैं बैक्टीरिया uh, हो सकते हैं वायरसेस हो सकते हैं प्रोडोज हो सकते हैं तो जब जब ये आ, आ, पहली और दूसरी डिफेंस लाइन को पास करते हैं और थर्ड डिफेंस लाइन में आते हैं तो यहाँ पे फिर एक ये एक मकैनज़म है कि जो एंटीजन्स व्हेन दे एंटर विच आर प्रोटीन्स तो बॉडी उसके खिलाफ कुछ और प्रोटीन्स बनाती है जो कि इंतहाई स्पेसिफिक होती हैं प्रोटीन्स और ये फिर एंटीजन एंटीबॉडी एक रिएक्शन सा एक इंट्रैक्शन होती है So, the immune system responds to antigen by producing specific proteins, which we call them the antibodies. The antigens include molecular uh, belongings to viruses, bacteria, fungi, and parasitic worms. So, these are the foreign proteins that we and antibodies. Now, each antigen has a unique mechanism, shape, and stimulates the production of antibodies. एंटीजें बाउंड टू दी एंटीबॉडीज़ थ्रू वीक एंड नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन्स यानी इनकी आपस में इंटरेक्शन होती है और ये मुख्तफ़ फ़ोर्सेज़ हैं जिसकी वजह से दे कम टुगेदर और फिर ये जो एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं फिर एंटीजिन को अपना काम करने नहीं देती असल में तो वो इन्वेडर्स हैं एंटीजेंस जो हैं वो इन्वेडर्स के तौर पर अटैक करते हैं और और ये फिर एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन होती है तो एंटीबॉडीज़ जो हैं वो उस एंटीजन को फिर काम नहीं करने देती लेकिन इनके में एक कांटेक्ट रहता है और कांटेक्ट दे आर डिफरेंट फोर्सेस जिस वजह से एंटीजन एंटीबॉडी का आपस में कांटेक्ट है और वो आ, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन हो सकती हैं हाइड्र बॉन्डिंग हो सकती है वनडरवॉल फोर्स हो सकती हैं है, और हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन हो सकती है तो इससे इससे क्या होगा कि ये दे रिमेन टूगैदर दे कम टूगैदर दे गेट अटैट दे इंट्रैक्ट विद ईच अदर और फिर एंटी एंटीजेंस को वो आ, जो अटैक है वो उससे रोक देती हैं तो ये एक बहुत ही इम्पॉटेंट ये आ, जब फर्स्ट डिफेंस लाइन और सेकंड डिफेंस लाइन और थर्ड डिफेंस लाइन असल में ये है जिससे जिससे वो अटैक काफ़ी हद तक सबसाइड हो जाता है और समटाइम्स ये कम्प्लीटली ख़त्म हो जाता है इसकी डिटेल हम अगले मॉड्यूल्स में फर्दर देखते हैं तो दिस इज ऑल अबाउट